नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको दुकान के बारे में बताना चाहूँगा। आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है, तो ऐसे में आपके बाहर का वास्तु कैसा होना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपका काम हमेशा स्मूथली चलता रहे। आपकी दुकान या शोरूम नॉर्थ ईस्ट यानी ईशानमुखी है, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, आपकी दुकान हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। आप ऐसी कोई दुकान परचेज करने जा रहे हैं या किराए पर लेने जा रहे हैं और वो दुकान आपकी रोड के लेवल से नीची है, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसी दुकान को परचेज ना करें। दुकान हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होगी तो आपका काम हमेशा ही अच्छा होगा, आपके यहाँ हमेशा ही बरकत बनी रहेगी। इसमें आपने जो ध्यान रखना है, बाहर का एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कैसे बनता है, जिस शॉप के एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है दूसरे कॉर्नर में ईस्ट आता है, तो ऐसे में जो फ्रंट का भाग बनता है वो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशानमुखी बनता है। तो ऐसे में हमेशा ही इन बातों का ध्यान रखना है, जो आपका बाहर का एरिया जो रोड का लेवल है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अप एंड डाउन है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो उसे हमेशा ही स्मूथ कराते रहना चाहिए। जब भी आपके यहाँ रोड रुक जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो आप वहाँ पर मसाला डलवा कर उसको स्मूथ जरूर कराएं। ऐसा करने से आपका काम स्मूथ हो जाएगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, जो आपका अपना शटर है, शटर के ऊपर जो आपने पेंट कराना है वो पेंट ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर या स्काई ब्लू कलर कराएंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपके बाहर कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक पेड़ है, कोई सूखा पेड़ लगा हुआ है और वो नॉर्थ कॉर्नर में उत्तर की दिशा में लगा हुआ है, तो ऐसी दुकान ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। ऐसे में आपने करना क्या है, जो आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या पोल लगा हुआ है, तो उसके ऊपर 7 से 8 फुट का एरिया जहाँ तक हाथ जाता है कंफर्टेबली, वहाँ पर आप स्काई ब्लू कलर का पेंट कराएंगे या ऑफ वाइट कलर का, क्रीम कलर का पेंट कराएंगे, तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब पेंट कराएं तो बिल्कुल सावधानी से कराएं ताकि करंट ना लगे। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल में या ट्रांसफार्मर के आसपास जब पेंट करते हैं तो कई बार करंट आने की संभावना बन जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी से पेंट करवाना है। ऐसे ही यदि ईस्ट कॉर्नर में ट्रांसफार्मर है या इलेक्ट्रिक पोल है, तो भी आपने जो पेंट कराना है यहाँ पर ग्रीन कलर या ऑफ वाइट कलर का या येलो कलर का पेंट आपने पोल के ऊपर कराना है। ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के जो पिलर है, जो पोल है या जाल बना हुआ है, तो उसके ऊपर आपने पेंट कराना है। ध्यान रखना है, जो आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पोल पर पेंट कराना है या उसके चारों तरफ जाली लगी हुई तो उसके ऊपर पेंट कराना है। और ईस्ट में या नॉर्थ में पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वहाँ पर उसके चारों तरफ ना तो कोई गंदगी इकट्ठी हो ना ही कूड़ा इकट्ठा हो। कई बार क्या होता है कि जब बाहर की सफाई होती है तो जहाँ खंभा होता है, जहाँ पोल होता है या ट्रांसफार्मर होता है, तो सारी मिट्टी वहाँ पर इकट्ठी कर दी जाती है। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो मैं कहूँगा कि आप उसको हमेशा समय समय पर साफ करते रहें और मिट्टी इकट्ठी ना होने दें, कूड़ा इकट्ठा ना होने। ऐसा करने से भी आपकी सेल प्लस हो जाएगी। आपके यहाँ जो शटर है, शटर के ऊपर जो पेंट कराना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर, ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर का पेंट ही करवाना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर बोर्ड लगाना है तो बोर्ड के अंदर जो कलर होने चाहिए वो स्काई ब्लू कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। और इसके के साथ आप यहाँ पर इसमें आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। इन कलर से आप अपना बोर्ड बनाएंगे तो आपका बोर्ड भी अच्छा बन जाए, इन कलर से आप अपना बोर्ड बना सकते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में जो जानकारी दी है, आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी सही है, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने यहाँ पर ये छोटे छोटे उपाय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इन उपायों को करने में आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, कंफर्टेबली ये काम सारे हो जाएंगे। आप अपने किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप
अपने यहाँ हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक सिंपल सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है जिसे आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और अपने यहाँ अप्लाई करके अपनी बिल्डिंग को समय पर पूरा भी कर सकते हैं और वास्तु दोष मुक्त अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो गया। मेरा अपना जो 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव आपके साथ मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।